नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के इतने सारे गाने रिलीज होते हैं कि अब क्या ही बताएं, किसका किसका अपडेट दें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन एक अपडेट देना जरूरी हो जाता है और वो उनके जबरदस्त बड़े रिकॉर्ड्स को लेकर। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का आज एक और गाना 100 मिलियन के क्लब में शामिल हो गया है, यानी कि 100 मिलियन एक और गाना जो है खेसारी लाल यादव ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। और कोई और गाना वो नहीं है बल्कि आदिशक्ति पर रिलीज पाखी हेगड़े के साथ खेसारी लाल यादव का गाना बंगलिनिया। जी हाँ, बंगलिनिया है मतिमार के भातार के फसवल असरे कि मती मार के भातार के फसवल असरे बंगली। ये दूसरा ट्रैक हो गया। खैर, जो भी बंगलिनिया जो गाना है ना, बंगलिनिया, ये गाना 100 मिलियन के क्लब में शामिल हो गया है, जिसमें कि आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका ने अपना खूबसूरत आवाज दिया था। तो वहीं 6 सालों के बाद पाखी हेगड़े की एंट्री भोजपुरी इंडस्ट्री में हुई थी और उनका ये पहला ही गाना तबाही मचा दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जोड़ी को लोग कितना ज्यादा प्यार दिए हैं। लिरिक्स राइटर की बात करूं तो हमेशा चर्चा में रहने वाले अखिलेश कश्यप ने लिखा है। जी हाँ, अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव की एक से बढ़कर एक बड़े गाने दे चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अखिलेश कश्यप का एक नाम और रिकॉर्ड खेसारी लाल यादव के नाम के साथ जुड़ गया है। वहीं म्यूजिक की बात करता हूं तो रोशन सिंह इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर थे और वीडियो डायरेक्टर जो है वो आशीष सत्यार्थी हैं। आदिशक्ति फिल्म पर रिलीज इस गाने को 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, 9,60,000 से ज्यादा लाइक्स, तो 1,12,000 से ज्यादा इस गाने पर कॉमेंट्स मिल चुके हैं। और ये गाना को अभी 5 महीना भी नहीं हुआ है, 12 अप्रैल को आई थिंक रिलीज हुआ था और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना, लेकिन 12 अप्रैल में रिलीज हुआ था तो अभी 5 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और ये गाना 100 मिलियन के क्लब में शामिल हो गया है। तो पूरे भोजपुरी रिमझिम की टीम की तरफ से आदिशक्ति फिल्म की टीम, अखिलेश कश्यप, खेसारी लाल यादव, अंतर सिंह, प्रियंका, पाखी हेगड़े और आशीष सत्यार्थी से लेकर रोशन सिंह को, पूरे टीम को जो है भोजपुरी रिमझिम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसे ही काम करते रहें और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक नए कीर्तिमान रचते रहें। तो ये अपडेट था, मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए बता दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जाकर मीनू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।